सब्सक्राइब करें मेरे चैनल शिप्रा जोशी को और बेल बटन पर क्लिक करें लेटेस्ट रेसिपी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल ढाबे वाले अंदाज में कढ़ाई पनीर बनाने की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने 200 ग्राम पनीर लेकर उन्हें इस तरह के पीसेस में कट कर लिया है। इनमें आप डालिए 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/4 टीस्पून नमक। मिला लेते हैं इनको अच्छे से। पनीर पर ऐसे नमक और मिर्च लगाने से वो फीके फीके नहीं लगेंगे और सब्जी में उनका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इसके बाद आप गैस को मीडियम फ्लेम पर सेट करके एक पैन रखिए और उसमें डालिए 2 टेबलस्पून तेल। तेल गरम होने के बाद हम इसमें पनीर डाल देंगे। यहाँ पर आप इनको हल्का ब्राउन होने तक फ्राई कर लीजिए। इससे ये पनीर के पीसेस बाहर से बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी हो जाएंगे। करीब 2-3 मिनट के बाद हम इन्हें पलट लेंगे। ये देखिए, पनीर गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। इसी तरह दूसरी तरफ से भी तलकर आप इन्हें पैन में से निकाल लीजिए। अब हम इसी पैन में रफली चॉप किए हुए 2 मीडियम साइज के प्याज डाल देंगे। इनको भी आप कुछ देर के लिए फ्राई कर लीजिए ताकि इनका कच्चापन निकल जाए। ये देखिए, प्याज हल्के ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। ऐसा होने पर हम इन्हें एक कटोरी में निकाल लेंगे। अब हम इसी पैन में एक शिमला मिर्च डालकर उसे भी ऐसे फ्राई कर लेंगे। ग्रेवी में सब्जियों को इस तरह फ्राई करके डालने से वो बहुत अच्छी बनती है। ज़्यादातर हलवाई और ढाबे वाले भी कढ़ाई पनीर की सब्जी को मज़ेदार बनाने के लिए यही ट्रिक यूज़ करते हैं। ये देखिए, शिमला मिर्च फ्राई हो गई है। अब आप इन्हें कटोरी में निकाल लीजिए। इसके बाद हम ग्रेवी बनाने के लिए इसी पैन में डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा, 1 तेजपत्ते का टुकड़ा, 1 सूखी लाल मिर्च, छोटा दालचीनी का टुकड़ा, 4 लौंग, 1 इलायची और रफली चॉप किया हुआ 1 मीडियम साइज का प्याज। मिलाकर सारी चीज़ों को 1 मिनट के लिए पका लीजिए। 1 मिनट के बाद हम इसमें टुकड़ों में कटे हुए मीडियम साइज के 2 टमाटर डाल देंगे। मिला लेते हैं इनको। आखिर में आप 2 चुटकी नमक डालकर इसे 2 मिनट के लिए और पका लीजिए। 2 मिनट के बाद हम गैस बंद कर देंगे और इसे कुछ देर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा होने के बाद आप इसे एक मिक्सर जार में डाल लीजिए। जार का ढक्कन बंद करके पीस लेते हैं इसे। ये देखिए, इस तरह का पेस्ट बन जाएगा इनका। खड़े गरम मसाले पूरी तरह से मिक्सी में पिस नहीं पाते और उनके छोटे टुकड़े रह जाते हैं, इसलिए आप इसे छान लीजिए। छानते वक्त इस तरह थोड़ा पानी मिला लेंगे ताकि हमें आसानी हो जाए। और ये लीजिए, ग्रेवी के लिए स्मूथ पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। इसके बाद हम सब्जी में डालने के लिए मसालों का एक घोल बना लेंगे। इसके लिए आप लीजिए 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/4 टीस्पून नमक। फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और अच्छे से मिलाकर एक घोल तैयार कर लेंगे। ध्यान रखिए कि नमक हमने पहले भी 2 जगह यूज़ कर लिया है, इसीलिए यहाँ पर इसे हिसाब से ही डालें। सारी तैयारियां हो गई हैं, चलिए अब सब्जी बनाते हैं। इसके लिए आप गैस को मीडियम फ्लेम पर सेट करके एक कढ़ाई रखिए और उसमें 1.5 टेबलस्पून तेल डाल दीजिए। तेल गरम होने के बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा। जैसे ही जीरा सिकने लगे, आप अभी तैयार किया हुआ मसालों का घोल डाल दीजिए। साथ ही हम 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे इसमें। ये देखिए, तेल ऊपर आने लगा है। ऐसा होने पर हम इसमें अभी छान कर रखा हुआ ग्रेवी वाला पेस्ट डाल देंगे। मिला लेते हैं इसको। साथ में ही आप 1 टीस्पून बेसन भी डाल दीजिए।
आधे मिनट बाद हम इसमें डालेंगे पहले से फ्राई करके रखे हुए प्याज और शिमला मिर्च। मिक्स कर लेते हैं सारी चीज़ों को। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून दूध। इसी दूध वाली कटोरी में आप 2 टेबलस्पून पानी भी लेकर इसमें डाल दीजिए। दूध डालने से पनीर की ग्रेवी बहुत ही अच्छी थिक हो जाएगी। ये वाली दूसरी सीक्रेट ट्रिक है जिसे हलवाई अपनी सब्जी को मज़ेदार बनाने के लिए यूज़ करते हैं। कुछ देर के बाद जब ग्रेवी ऐसे उबलने लगे तब आप इसमें फ्राई करके रखे हुए पनीर डाल दीजिए। मिक्स कर लेते हैं सारी चीज़ों को अच्छे से। आखिर में आप डालिए 1/4 टीस्पून अमचूर पाउडर और 1/4 टीस्पून कसूरी मेथी। पनीर डालने के बाद हम इसे ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे। इनको मिक्स करके बस आप आधे मिनट बाद गैस बंद कर दीजिए। इसी के साथ हमारी ढाबा स्टाइल कढ़ाई पनीर की सब्जी बनकर तैयार है। आप इसे घर पर पक्का से ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। Thank you for watching.